Hello guys, you are watching Siva Learning. You can also visit us on www.sivalearning.in. So today I'm going to tell not a single news but approximately 8 to 10 news. So I'm requesting to all of you, please watch the video till last aur thoda dil tham ke baithiye kyunki bahut sari news aane wali hain. तो देखिए उत्तराखंड की राउंड टू जो है उसका शेड्यूल आ गया है और कैसे आपको क्या करना है तो उत्तराखंड राउंड टू के लिए आइए नोटिस देखते हैं. द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन बाय द न्यू कैंडिडेट, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन बाय द फर्स्ट राउंड कैंडिडेट, कैंडिडेट अपग्रेडेशन विदाउट पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी. द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड री रजिस्टर्ड देमसेल्फ बिटवीन 15 to 22 एज पर अर्लियर काउंसलिंग शेड्यूल नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड और री रजिस्टर्ड अगेन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 8:08 AM to 4 PM कर देनी है. ठीक है, राउंड टू के लिए. ओके, और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आफ्टर राइटिंग ऑल इंडिया सीट रिवर्टेड टू द स्टेट कोटा फॉर राउंड टू ऑन द वेबसाइट विल कम 8:08. ठीक है, आपको जो सीट है राउंड ऑल इंडिया राउंड टू से जो बची हुई सीट है वो भी और इनका राउंड वन से बचा हुआ सीट जो है वो सब मिला के आपको 8 अगस्त को शो कर दिया जाएगा. लास्ट डेट ऑफ वैकेटिंग फर्स्ट राउंड को वैकेंट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 09 है, यानी 9 अगस्त है. डिस्प्ले ऑफ द फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर द सेकेंड राउंड आफ्टर एडिंग न्यूली विथड्रॉन सरेंडर सीट बाय द एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ राउंड वन ऑन द वेबसाइट. डिस्प्ले ऑफ द फाइनल सीट मेरिट लिस्ट ऑफ राउंड टू, ये है, ये हो आपका 9 अगस्त को है. मतलब जो भी चीज़ें आपको स्टार्ट होंगी वो 8 से स्टार्ट होंगी और 8 और 9 के बीच में आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं. ठीक है, उसके बाद फ्रेश न्यू चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यूली रजिस्टर्ड ऑलरेडी कैंडिडेट 09:08 to 10:08. ओके, चॉइस लॉकिंग जो होगी और चॉइस फिलिंग वो आपको 9 अगस्त टू 8 अगस्त टिल 5 PM. ओके, 8 PM से लेके 5 PM तक है. डेटा प्रोसेसिंग 11:08, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 12 एंड लास्ट डेट ऑफ द ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज 18:08. ओके, सो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की मॉपअप की सॉरी राउंड टू की शेड्यूल आ गई है. मॉपअप की शेड्यूल उन्होंने अभी कोई नहीं दिया है, सो जस्ट उत्तराखंड के लिए एक्टिव हो जाइए. ओके, उसके बाद अब चलते हैं आपको एमपी की भी स्टेट राउंड स्टेट काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों को मिला के जो राउंड टू होने वाला है और जो मॉपअप होने वाला है उसका डेट आ गया है. चलिए देखते हैं. वाओ, ये देखिए पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर सेकंड राउंड 09:08, फ्रेश चॉइस एंड चॉइस लॉकिंग 10:08 to 11:08, allotment of result second round 14:08, reporting to the college 15 to 18, online registration at the college level 15 to 18, mop up round publication of vacancy 19:08, choice filling choice locking 19:08 to 21:08, allotment result mop up round 23:08, reporting at the allotted college 24:08 to 25:08, and now the extra vacancy at the college level. आप लोग सोच रहे होंगे स्ट्रे वैकेंसी क्या होती है. स्ट्रे वैकेंसी वो होती है जो लोग राउंड वन राउंड टू या मॉपअप राउंड में ऑलरेडी अप्लाई किए होते हैं वही स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं. पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन, जिन लोगों को राउंड वन राउंड टू और मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिलती है वही स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं. तीसरा, स्ट्रे वैकेंसी कॉलेज लेवल पर होती है, जब कॉलेज में सीट बच जाती है उस सीट को फिलअप करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर स्ट्रे वैकेंसी की रजिस्ट्रेशन होती है और वहाँ से आपको कॉलेज मिलता है. तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट डेट है स्टे वैकेंसी के लिए, देख सकते हैं आप. उसके बाद आप देख सकते हैं कि वैकेंट सीट, आपको जो भी वैकेंट सीट है वो देख सकते हैं. पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल भोपाल 25, अरबिंदो 25, एंड गर्डी मेडिकल कॉलेज 25, इंडेक्स मेडिकल 25, एलन मेडिकल भोपाल 25, चिरायू 25, टोटल 150 सीट फॉर द आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज कैंडिडेट, उनके लिए. ठीक है, एंड देन जो लोग सीट को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बॉन्ड फिलअप करना पड़ेगा. सीट बॉन्ड है. ठीक है, ये अगर आपको चाहिए 1 मिनट,
ये देखिए अमेंडेड परफॉर्मा फॉर सीट लिविंग बॉन्ड एंड रूलर सर्विस बॉन्ड। तो ये सीट लिविंग बॉन्ड या फिर रूलर सर्विस बॉन्ड आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़े हिंदी में है, आप लोग पढ़िएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ज़रूर, ओके। अदर आपका आ जाता है, चलिए अब देखते हैं कि क्या चल रहा है कर्नाटका में। यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है, इन्होंने क्या किया है कि राउंड टू के लिए फिर कुछ अपडेट डाल दिया। देखिए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि राउंड टू का रिजल्ट कब आएगा, राउंड टू का रिजल्ट अभी बहुत ही टाइम है। फिफ्थ को मॉक रिजल्ट आएगा, मॉक रिजल्ट के बाद नाइन को आप अपनी चॉइस फिलिंग को रीअरेंज कर सकते हैं, फिर इलेवेंथ को फाइनल रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड का। सो यू हैव एनफ टाइम टू डू मैनी थिंग्स, ओके। चलिए देखते हैं, मॉक अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स पब्लिश आफ्टर द राउंड वन। राउंड वन के बाद जो सीट बचती है उसके बेसिस पे मॉक अलॉटमेंट होता है। स्टूडेंट में नोटिस द एक्चुअल अलॉटमेंट विल इंक्लूड रिवर्टेड ऑल इंडिया कोटा सीट विच मे बी रिवर्टेड ऑन 08/08/2018। ऑल इंडिया कोटा से जो भी सीट बचेगी वो 8 अगस्त को स्टेट को दे दी जाएगी। विच वुड बी एडेड टू द सीट मैट्रिक्स। 8 अगस्त को जो ऑल इंडिया से सीट बची हुई है उसको 8 को स्टेट को दे दी जाएगी, और फिर स्टेट उसे 8 अगस्त को लेके और अपने स्टेट को राउंड वन से बची हुई सीट को मिला के एक नया सीट मैट्रिक्स तैयार करेगा जो कि 9 अगस्त को होगी, ठीक है। सो इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिएगा। मॉक अलॉटमेंट आपको फिफ्थ को ही होगा, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो 11 को आएगा, और आप क्या कर सकते हैं, अपने सीट को रीअरेंज कर सकते हैं 09/08/2018 को। इस चीज़ को आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि मॉक अलॉटमेंट में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो 09/08/2018 को आप अपने सीट को जो चॉइस फिलिंग किए हैं उसको रीअरेंज कर सकते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाए, ओके। और कोई नोटिस, बाकी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, चॉइस फोर वाले कैंडिडेट कैसे कैसे पार्टिसिपेट होते हैं, क्या पेनल्टी लगती है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बट अगर आपको फिर भी जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदर न्यूज़, ये देख सकते हैं कि आपको मॉक अलॉटमेंट फिफ्थ को होगा, रीअरेंजमेंट आफ्टर द रिवर्सन ऑफ ऑल इंडिया अनफिल्ड सीट। आप उसको सीट को क्या कर सकते हैं, अपने जो चॉइस फिलिंग को है रीअरेंजमेंट कर सकते हैं 9 को, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड राउंड रिजल्ट 11 को, ठीक है। तो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग एंड कीप लविंग। एंड देन आपको जयपुर में क्या हो रहा है राजस्थान में, राजस्थान में ये हो रहा है कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग डेट है, इन्होंने सेकेंड राउंड भी ऑफलाइन कर दिया है। सेकेंड राउंड भी ऑफलाइन करने के बाद इन्होंने कहा कि 8 अगस्त टू 9 अगस्त में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आना है। सॉरी, इट्स नॉट 8, इट्स 9 to 11। सी यर 09/08/2018 to 11/08/2018 द डिटेल सीज्यूल। एक्चुअल में वो सीज्यूल आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे, सो प्लीज़ बी एक्टिव विद द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। और इनकी राउंड टू ऑफलाइन होगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंक्लूड कर दी गई है और 150 सीट राजस्थान में बढ़ गई है, सो गुड न्यूज़ था ये। अभी तमिलनाडु में क्या चल रहा है, तमिलनाडु में अभी कुछ नहीं चल रहा, इतना ही चला है कि जो 31 को काउंसलिंग हुई थी 31 अगस्त को, वो उन्होंने कौन कौन से बच्चे को सीट मिली है तमिलनाडु पीपल्स को, दोज हु गॉट सीट इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज इन तमिलनाडु, दे हैव गिवन द लिस्ट फॉर दैट पीपल। ये पीपल हैं, जैसे इंस्टीट्यूट नेम है, इन लोगों को सीट मिला है, अमर कुमार वीना, सुनील कुमार, मोहित हिताल, तत्कनी, एमएसएन, संकट, क्या क्या नेम है आप पढ़ सकते हैं। जिसको भी सीट मिली है वो देख सकता है कौन से कॉलेज मिली है, जैसे टैगोर मेडिकल कॉलेज में मिला है, एंड देन आदि प्रसक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उनको मिला, कांचीपुरम में है। जिसको जिसको सीट मिली है वो उन्होंने डेटा दे दिया, सबका मार्क्स देखिए 351, 348, 347, मतलब सबका 300 के ही रेंज में है। एवरीवन गॉट द सीट इन द रेंज ऑफ 300 द तमिलनाडु सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, ओके, खत्म। एंड नाउ
उत्तर प्रदेश नीट में अभी कुछ नहीं चल रहा है, एक ही चीज़ चल रहा है कि राउंड टू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। राउंड टू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रैंक के हिसाब से जाके करिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 3, 4, 5, 6, 7 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके मार्क्स और आपके रैंक के हिसाब से चल रही है। उनके नोडल सेंटर पर जाइए और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करिए, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। ओके, ऑल इंडिया में क्या चल रहा है? ऑल इंडिया राउंड टू में कुछ खास नहीं है, वही जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने डेट चेंज कर दिया। इन्होंने एक सर्टेन डेट दिया है स्टेट की काउंसलिंग के लिए और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी, बट ये डेट चेंज हो सकता है क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, कौन फिर से केस कर दे, नो वन नोज। सो ये सारे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। डब्ल्यू पी का, वेस्ट बंगाल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि राउंड टू की काउंसलिंग चल रही है। वैकेंट सीट आफ्टर राउंड वन आप चेक कर सकते हैं इधर से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wbmcc.nic.in, यहाँ पे आप विजिट करके जो भी डेटा आप चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आप कहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई थिंक यू ऑल आर हैप्पी एंड यू ऑल आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स। गोल्स अभी आपकी क्या है? अभी आपकी गोल्स एक ही है कि सीट कैसे मिले और कहाँ मिले, तो उस पर फोकस करिए, मेहनत करते रहिए, लेबर करते रहिए। ओके एंड कीप लविंग अस, थैंक यू।